नमस्कार, आज दिन भर कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मीनाक्षी। आइए सबसे पहले रुक करते हैं प्रमुख गतिविधियों की ओर। वो अपने अपने क्षेत्र में डट गया है और आने वाले जो 9 तारीख का दिन है उसको कमल के फूल वाला बटन दबाकर जो है वो भारतीय जनता पार्टी को भारी बहुमत से जिताने वाला है। मेरे बहनों और भाइयों, पूरन में 2 बार मुख्यमंत्री रहे प्रोफेसर प्रेम कुमार धूमल जी के नेतृत्व में ही मेरी बहनों को मान सम्मान मिला है। चाहे आप पंचायती राज संस्थाओं में ले लो, 50% आरक्षण जो है वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मेरी बहनों को मिला है। और जो मेरी बहनें हैं वो पंचायती राज में भी 50% से बढ़कर 60% जो हैं वो पंचायती राज में चुन के आई हैं। मेरी बहनों ने ये कर दिखाया है कि महिलाएं जो हैं वो किसी से कम नहीं है। लेकिन इसी कड़ी में माननीय मोदी जी ने भी जो एक निर्णय लिया कि विधानसभा के जो चुनाव हैं उनमें हिमाचल प्रदेश में भी महिलाओं को भागीदारी दी जाए, और उसमें माननीय मोदी जी ने कहा कि कम से कम 10% महिलाओं को टिकट आवंटित की जाए। तो मेरी बहनों और भाइयों, आपका विधानसभा क्षेत्र भी एक ऐसा क्षेत्र है कि जिसे आपकी बहन कमलेश कुमारी को भी मैदान में उतारा है। ये मान सम्मान सब मेरी बहनों का है। मैं थोड़ा सा ये कहना चाहूंगी कि केंद्र में मोदी जी की सरकार है और प्रदेश में 5 वर्ष जो है वो राजा वीरभद्र सिंह जी की सरकार रही। मेरे बहनों और भाइयों, आप सब देख रहे हैं कि 5 वर्षों के कार्यकाल में कहीं कोई विकास का कार्य तक नहीं हुआ। सड़कों के बुरे हाल हैं और सच बताऊं तो हर क्षेत्र में जो पानी की पीने के पानी की व्यवस्था है वो ठप पड़ी है और लोगों के लिए पीने की कोई व्यवस्था नहीं है पानी की। ये जो कांग्रेस की सरकार रही इसने 5 वर्षों में महंगाई, भ्रष्टाचार और भाई भतीजावाद के सिवाय कुछ नहीं किया। मैं आज आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये जो कांग्रेस की सरकार है, आपने देखा होगा, आपने पत्रचार में पढ़ा कि शिमला में गुड़िया कांड हुआ, उसमें एक परिवार का मुखिया ये कहे कि ऐसे कांड होते ही रहते हैं। मेरी बहनों और भाइयों, वो दिन आ गया है जो इनको जवाब देने वाला दिन है। 9 नवंबर को हिमाचल प्रदेश विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। लोकतंत्र में चुनावों का बहुत बड़ा महत्व होता है कि त्योहार के रूप में आते हैं और चुनावों में जनता जनार्दन होती है, वो जज की कुर्सी पे होती है, वो निर्णय सुनाती है और वो निर्णय सुनाती है कि आने वाले दिनों में मेरे गांव का, मेरे समाज का, मेरे विधानसभा का, मेरे प्रदेश का नेतृत्व कौन करेगा और आने वाले 5 साल तक कौन इस समाज की, इस देश की, इस प्रदेश की सेवा करेगा। और इसके साथ साथ जनता यह भी निर्णय लेती है कि आने वाले 5 साल तक जनता का भविष्य क्या होगा और किसके हाथों में सुरक्षित रहेगी। इस देश की जनता बहुत परिपक्व है और उन्होंने 2014 में निर्णय लिया कि इस देश की सत्ता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के हाथों में दी जाए, भारतीय जनता पार्टी के हाथों में दी जाए।
प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बने हैं, तब से लेकर अब तक का भारत और उससे पहले के भारत में अगर यदि हम तुलना करते हैं तो आज जब से नरेंद्र मोदी जी ने इस देश की सत्ता संभाली है तो उन्होंने इस देश का झंडा चाहे वो विदेशों की बात हो, चाहे अमेरिका, जापान, फ्रांस और ऑस्ट्रेलिया जाकर भारत वर्ष की बात रखने की बात हो, चाहे वो अमेरिका में जाकर आतंकवाद होता है, गुड टेररिज्म और बैड टेररिज्म नहीं होता, जो सूट करता है वो गुड टेररिज्म ऐसा नहीं होता, ये बात रखने की हिम्मत रखने वाला कोई भारत का अगर प्रधानमंत्री बना है तो आदरणीय नरेंद्र मोदी बने। आज जहां विदेशों में भारत का झंडा बन रहा है वही देश के अंदर आज विकास की नई आयामों को छू रहे हैं। आज देश के अंदर आज भारत वर्ष की सरकार आज नरेंद्र मोदी जी आतंकवाद से नक्सलवाद से लड़ रहे हैं और पहली बार भारत का ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने आज सेनाओं को अधिकार दिया है कि अगर पाकिस्तान एक गोली दागेगा तो आप 10 गोले दागेंगे, यदि वो एक मारेगा तो आप 20 मारो। लेकिन पहले आज तक जो सरकारें रही इस देश में सरकार रही सरदार जी की सरकार रही, उससे पहले कांग्रेस की सरकार रही। आजकल हमारे साथ कंपेन में कई फौजी अफसर मिलते हैं, वो कहते हैं कि इससे पहले जब आतंकवाद के विरुद्ध हम लड़ते थे पाकिस्तान के साथ सीमा पर लड़ते थे उनकी गोली से बचकर हमें छुपना पड़ता था क्योंकि गोली द्वारा जवाब में मारने का ऑर्डर दिल्ली से आता था। आजकल हमारा ऑर्डर हमारी जेब में होता है, एक गोली आती है हम 50 डालते हैं। ऐसा एक माहौल यहाँ इस भारत वर्ष में आतंकवाद के विरुद्ध खड़ा किया है। आज देश के मान सम्मान को बचाने के लिए अगर भारत की सेना पर पाकिस्तानी आतंकवादी उन्हीं में हमला करते हैं, एक महीने के अंदर अंदर भारत की सेना आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर में जाकर सर्जिकल स्ट्राइक करती है, उसके आतंकवादी अड्डों को ध्वस्त करती है, आतंकवादियों को मारकर सुरक्षित भारत आती है। आज नॉर्थ ईस्ट में अगर भारत की सेना के ऊपर हमला होता है एक महीने के अंदर अंदर म्यांमार में जाकर वहां आतंकवादियों को मारकर भारत की सेना वापस आती है। क्योंकि हिंदुस्तान में हिमाचलियों को बड़ा मान सम्मान से लोग देखते थे, ये देवभूमि है, बीरभूमि है, कर्मभूमि है। और जब से ये भ्रष्टाचार यहां का मुख्यमंत्री फंसा है, जमानत में है, तब से हिमाचल के लोगों को भी शक से देखा जा रहा है और इतना बेशर्म कि कुर्सी छोड़ दी रहा, प्रूफ हो गया कि इसने गलत घोटाले किए हैं, भ्रष्टाचार किया है और कुर्सी नहीं छोड़ना है। पर अब जनता 9 तारीख को पूरे हिमाचल की जनता कुर्सी पर उतारेगी और ठाकुर प्रेम कुमार धूमल जी को फिर इस बार मुख्यमंत्री बनाएगी। मित्रों, जहां बात विकास की है, जिला हमीरपुर के लोग सभी जानते हैं कि ठाकुर से पहले क्या था हमीरपुर जिला। 5-4 कोसी आप देखिए, विधानसभा क्षेत्र देखिए, जब धूमल साहब पहली बार मुख्यमंत्री बने तभी हमारे जिला को बहुत से कार्यालय मिले, हमारी बहु बेटी बच्चों को इंटरव्यू देना शिमला जाना पड़ता, अभी जो हमीरपुर होता है, आईपीएस का जोन, पीडब्ल्यू का जोन, फोर्स कंजर्वेटिव के कार्यालय, बिजली के कई दफ्तर यहाँ आए, ये सारा श्रेय आपने परिक्रमा धूमल जी को जाता है। छोटा वाला मुख्यमंत्री, जहां हमारे विधानसभा क्षेत्र की बात है, थाने पहले किसी कई गांव में सड़कें नहीं होती थी, ज्यादा लोगों ने जमीन दी, हर गांव के सड़कें लिए धूमल साहब ने कर दिया है। और 10 साल मुख्यमंत्री धूमल साहब ने ऐसे पूरे हिमाचल में समान विकास किया है। पर जो राजा पी मतलब हमारे साथ भेदभाव किया है, अगर थोड़ा ज्यादा हमें मिला है कुछ लोगों को तकलीफ नहीं होनी चाहिए। 5 साल में जिला हमीरपुर में कोई काम नहीं हुआ, जो धूमल साहब ने कैसे दिया था उस पैसे को भी वापिस ले गए राजा। आपने नाम रखा गुड़िया, प्यारी गुड़िया, उस प्यारी गुड़िया के साथ क्या हुआ क्या आप जानते हैं? क्या आप जानते हो? बोलो शेम शेम, शेम शेम। ऐ बेटियों वालों, ऐ बहु बेटियों वालों, इस प्रदेश को किसी की नजर लगी है कि बेटियों की इज्जत महफूज नहीं है? जब ये खबर आई कि एक शख्स अपने वृक्षों की, वनों की राखी कर रहा है, आप देखो हिमाचल प्रदेश में अगर ये बड़े बड़े वृक्ष
जो कुदरत का कृष्णा है काट दिए जाए तो कैसे लगेंगे पहाड़ रुंड मरुंड। जो उसकी राखी कर रहा है उसका कत्ल करके, उसको पुट्ठा करके, उसको उल्टा करके वृक्ष पे ही टांग दिया उसी जंगल में, जिसका नाम है होशियार सिंह। वो भी अपने माँ बाप का बेटा था, अपने अपने बच्चों को याद करो और बोलो शेम 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 शेम। अरे भाई जब हम हिमाचल में आते तो हमारे घर वाले कहते कि थोड़ा सा पानी वहां का जल किसी पीपी में या बॉटल्स में भर के ले आना। हम पूछते क्यों, कहते हिमाचल का पानी अमृत की तरह है, वो पीने से तंदुरुस्ती मिलती है, सेहतयाबी होती है, बंदे के विचार शुद्ध होते हैं। ऐ गैरतमंद लोगों, ऐ खूबसूरत वादियों के बशिंदों, इस प्रांत को किसकी नजर लग गई कि शिमला में टंकी में पानी पीने से 30 लोगों की मौत हो गई और 23,000 बीमार हो गए। बिन कहे भी शेम शेम बोला करो, कुछ गैरत करो। आप किसको दिता दिया आपने, आपने किसकी हुकूमत ले आई, ये यहाँ किसका राज आ गया, यहाँ कौन रूलर है, यहाँ लॉ एंड ऑर्डर नाम की कोई चीज नहीं रही। आप उस रिश्ते को भूल गए जिन्होंने, जिनको सड़कें बनाने वाला सीएम बोलते थे, आप उसको भूल गए जिसने 86 अवार्ड आपके हिमाचल प्रदेश को लेके दिए। आप उस हुमर साहब को भूल गए। मैं गलियों कूचों शहरों गांवों में, आज तो कमाल ही हो गया, पंजाबी च कहते जिन्हा रावा दी मैं सार ना जाना उन्हा रावा मैनू टुरना पिया। अनुराग जी कहते आओ आपका थोड़ा हार्ट बीट तो चेक करें, पैदल चले हम दूर तक, गांव में सादा दिल लोग मिले, खूबसूरत वादियों में रहने वाले शांत लोगों से मिले। तो मैंने प्रे भी की कि ये लोग ऐसे ही रहे, तेज तरार कभी ना हो। तो मुझे याद आया जब मैं घूमता था, कल से पहले जब घूमता था तो एक नारा लोग लगाते थे लेकिन धीमा सा, धूमल सा नहीं धीमा सा। तो थोड़ा मैंने कहा जी ऊंची बोलो, वजह पता नहीं क्यों थी, कहने लगे जी नारा तो बहुत अच्छा है लेकिन हमारे दिल में ये है कि वो कांग्रेस पार्टी वाले पूछते हैं बराती तो तैयार है, घोड़ी भी है, बैंड बाजा भी है, इनका दूल्हा कहाँ है। तो कल माननीय अमित शाह ने आपको दूल्हा दे दिया है, दूल्हा कौन है ऊंची बोलो बहनों, आप तो ऊंची बोलो भाइयों, दूल्हा कौन है, कौन है, सड़कें बनाने वाला सीएम कौन है, बेटियों को मोहब्बत करने वाला कौन है। तो इसीलिए मैं कहता हूं बड़े बाप के बनिवर बाप का बनिवर बेटा, जिनके बारे में मैं कहता हूं बड़े मियां सो बड़े मियां, छोटे मियां छोटे मियां। तो आप दुआ करो, प्रे करो इस प्रांत के लिए। आज माननीय अमित शाह जी आएंगे, मोदी साहब का स्नेहा लेके आए। कल भी जो अनाउंसमेंट हुई 4 बजे के बाद, जब दूल्हा सामने आया तो नारा बहुत अच्छी तरह बोलने लगी दुनिया। नारा क्या है, सारा हिमाचल डोल रहा है, सारा हिमाचल डोल रहा है। तो ये संदेश है हम हिमाचल वासियों का पूरी दुनिया के नाम, ये संदेश है हमीरपुर वालों का पूरी दुनिया के नाम। नो ड्रग्स नो वार, नो ड्रग्स नो ड्रग्स, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो। हाथ ऊपर उठाओ जोर से, ना नशा करो ना वार करो, करना है अगर तो प्यार करो, मुश्किल से मिलता है जीवन क्या तुम।
हमको नहीं पता, होए होए कर लो तौबा, तौबा तौबा कर लो तौबा, सो सबर कहते फिरोगे वरना यार, कर लो तौबा सो सबर कहते फिरोगे वरना यार, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया, टूटे टूटे हो गया दिल, टूटे टूटे हो गया। इसलिए 9 तारीख को याद रखना एक संदेश कि दिल किसी का टूटे टूटे ना, फिर गुड़िया से ऐसा ना हो, फिर कोई होशियार से ऊपर ना लटकाया जाए, फिर ऐसी बातें ना हो, ताकि फिर खुशहाल हो आप। इसलिए मेरा मैसेज याद रखना, ये टाइम नहीं भुलवाला, ये टाइम नहीं भुलवाला, बटन दबा दियो जी, बटन दबा दियो जी, तुसी कमल दे फुलवाला, बटन दबा दियो जी। भारत माता की, भारत माता की, का सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगे जी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगे जी, होवे अनुराग जी दी उम्र न मेरी, होवे धूमला दी उम्र न मेरी, दुआ ना कोई होर मंगे जी, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई होर मंग दी, दुआ ना कोई हो। तेरे प्यार दिता जदों का सहारा वे, तेरे प्यार जदों का सहारा वे, माया भुल गया मैनू जग सारा रे, माया भुल गया मैनू जग सारा रे, खुशी ये हो मैनो, खुशी ये हो मैनो, भाइयो आप भी बोलो, खुशी ये हो मैनो, ओए खुशी ये हो मैनो, खुशी ये हो मैनो, सजना बथेरी दुआ ना कोई होर मंगे, नित खैर मंगा सोनिया मैं तेरी दुआ ना कोई होर मंगे, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, ओ नित खैर मंगा मैं तेरी खैर मंगा, आ जावे माही तेरा दसता उड़ीक दिया, आ जावे माही तेरा, आ जावे माही तेरा, आ जावे माही तेरा रस, रसता उड़ीक दिया, रसता उड़ीक दिया, आ जा आ जावे माही तेरा दसता उड़ीक दिया। पीछे बैठे हमारे भाई बहन, आपको मैं दर्शन कर रहा हूँ आपके, अपने नाजुक हाथों को थोड़ी सी तकलीफ दो, आप एक्टिव हो जाएंगे। स्वामी रामदेव जी भी कहते हैं ताली बजाने से अपना ब्लड प्रेशर ठीक होता है। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। आरजे फैशन पॉइंट हमीरपुर, जहां आप पा सकते हैं पहली बार स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस। आरजे फैशन पॉइंट, जहां उपलब्ध है स्कूल कॉलेज की ड्रेसेस, शर्ट पैंट स्कर्ट एंड स्कूल बैग्स, फुल एंड हाफ कोट ब्लेजर जैकेट एंड किंडर गार्मेंट्स, साथ ही रेडीमेड में उपलब्ध है अनारकली सूट कुर्ता और बच्चों के लिए ड्रेसेस की विभिन्न वैरायटीज। तो स्कूल और कॉलेज से संबंधित हर तरह की ड्रेसेस के लिए कहीं और क्यों जाना, सिर्फ आरजे फैशन पॉइंट में ही आना। हमारा पता है आरजे फैशन पॉइंट, अपोजिट दीप एंड कंपनी, नियर सब्जी मंडी हमीरपुर। हमारा नंबर है 9817320738। आरके हॉस्पिटल हमीरपुर अब नई और एक्सपर्ट्स डॉक्टर की अनुभवी टीम ला चुका है आपके शहर हमीरपुर में।
डॉक्टर रवि वर्धन प्रोपराइटर आरके हॉस्पिटल, डॉक्टर संजीव शर्मा एमएस ऑर्थो, डॉक्टर अमित श्रीवास्तव एमएस गायनी, डॉक्टर एमएन कमाल एमडी पीडियाट्रिक, डॉक्टर केतन फिजियोथेरेपिस्ट। विजिटिंग डॉक्टर्स हैं डॉक्टर मोहित वालिया डीएम कार्डियोलॉजी, डॉक्टर सुशील राही डीएम न्यूरोलॉजी एंड डॉक्टर सनी बिर्डी डीएम पल्मोनरी। दिमाग और फेफड़ों की बीमारियों के डॉक्टर हर महीने के पहले शनिवार को, साथ ही हृदय रोग विशेषज्ञ हर महीने के पहले बुधवार को, साथ ही आरके हॉस्पिटल में हड्डी की चोट या फ्रैक्चर का इलाज, नॉर्मल डिलीवरी, इमरजेंसी सिजेरियन, बच्चों के विशेषज्ञ, NICU, PICU जैसी सुविधाएं 24 घंटे उपलब्ध, 24 घंटे एम्बुलेंस की भी सुविधा। आरके हॉस्पिटल नाउ ISO 9001:2015 सर्टिफाइड, ऑपोजिट संत निरंकारी भवन, नियर हथली ब्रिज, भोटा रोड, हमीरपुर। रोहित ट्रेडिंग कंपनी सुजानपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध है अंबुजा सीमेंट जो आपके घर की दीवारों को बनाए मजबूत, घर की छत को मजबूत और सुंदर बनाने के लिए हमारे यहाँ हर तरह की कलरफुल सीट है उपलब्ध जो आपके घर की छत को बनाए आकर्षक। हम देते हैं अपने सामान की पूरी गारंटी। हमारे यहाँ आप पाएंगे TMT सरिया, ऑथराइज्ड डीलर ऑफ टाटा टिस्कॉन। हो बातें सपनों की, लो अपनों की एडवाइस, हो बातें प्यार की, सोचो मत ट्वाइस, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, हो खुशियाँ अपनों की, बनो थोड़ा वाइस। टाटा टिस्कॉन अटूट जोड़ के साथ इंडिया बोले लाइफ में नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज, नो कॉम्प्रोमाइज। घर की चार दीवारी के लिए ले जाएं एंगल पत्ती, आपके घर की छतों को निखारने के लिए कलर सीट के साथ GI सीट की भी है भारी रेंज। इसके साथ ही आप पाएंगे PVC पाइप्स, GC पाइप्स, हर तरह की पानी की भी टंकियों की है भारी रेंज। सुंदर घर स्वपन आपका, सहयोग हमारा। अपने घर के सपनों को साकार करने के लिए आज ही पधारें रोहित ट्रेडिंग कंपनी नियर ब्यास प्लीज आलमपुर डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हमारा नंबर है 9816452111, 9816335144। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले जो प्रदेश देश और विदेश से राजनीति, खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है, हर खबर पर होगी पैनी नजर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता ही है, कल हमारे नेशनल अध्यक्ष श्री अमित शाह जी ने माननीय धूमल जी को हिमाचल का भावी मुख्यमंत्री घोषित कर दिया है। जैसे ही माननीय धूमल जी हिमाचल प्रदेश के नए मुख्यमंत्री घोषित हुए, एकदम पूरे हिमाचल प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में लहर सी चल पड़ी है। और हम दावे से कह सकते हैं कि हम इन पर कि हम पांचों की पांचों सीटें जो है वो भारी मशीन दे जा रहे हैं। हमारी प्रदेश में तो 50+ का मिशन है, कल के बाद 50+ का नहीं बल्कि 60+ का मिशन हम पार करने जा रहे हैं। भाइयों बहनों, आप सबको पता है कि हमीरपुर जिले का विकास किसने किया और कब हुआ। आज हमारा हमीरपुर जिला हिमाचल में
सबसे नंबर एक जिला है, चाहे पढ़ाई के मामले में ले लीजिए, चाहे विकास के मामले में ले लीजिए, चाहे सड़कों के मामले में ले लीजिए, हर तरह से हमारा हमीरपुर जिला नंबर वन है। और हमीरपुर जिला का विकास कब शुरू हुआ? हमीरपुर जिला का विकास 1970 में जब पहली बार सांतारी की सरकार बनी थी और स्वर्गीय भगत देव चंदी यहां से मंत्री बने थे। आज हमीरपुर में जो कुछ भी आपको दिखता है वो या तो 1970 में ढाई ढाई साल की सरकार रही। सबसे पहले तो हिमाचल प्रदेश और हमीरपुर की ओर से माननीय अमित शाह जी ने एक ऐसा दिन चुना जिसको हिंदू धर्म के नाते भी बहुत शुभ दिन चुना जाता है, और उस दिन एक शुभ संदेश और एक निर्णय हिमाचल के हित में लिया कि हिमाचल प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री कौन हो, उसके लिए आदि धूमल जी का नाम इन्होंने घोषित किया है, उसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं। देवोत्थान एकादशी के दिन जहां अच्छे कामों की शुरुआत 4 महीने के बाद होती है, मुझे लगता है हिमाचल ने 5 वर्ष इंतजार किया है, अब इस भ्रष्ट और माफिया राज वाली सरकार से मुक्ति पाकर कमल का फूल खिलाकर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने का समय आ गया है। आदरणीय अमित भाई, आपके इस निर्णय से और आपके हिमाचल में कदम आप फटने से मैं आज इस मंच से कह सकता हूं, हमीरपुर संसदीय क्षेत्र ने पिछली बार 17 में से 11 सीटें जिताई थी, आज हम वायदा करते हैं कि हम हमीरपुर की पांचों सीटें भी जिताएंगे और 17 की 17 लोकसभा की सीटें जीतने का भी प्रयास करेंगे। ज्यादा समय नहीं लूंगा, हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सुनना चाहते हैं। मैं इतना ही कहूंगा, ये वो संसदीय क्षेत्र है जिसका 5 वर्षों में कांग्रेस ने खुलकर इस तरह से विरोध किया है, कोई काम नहीं होने दिया। मोदी जी की सरकार आई तो देश का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स बिलासपुर के लिए, हाइड्रो इंजीनियरिंग कॉलेज बिलासपुर के लिए, मेडिकल कॉलेज 200 करोड़ का हमीरपुर के लिए, पीजीआई 500 करोड़ का ऊना के लिए, 400 करोड़ रुपए का ट्रिपल आईटी ऊना के लिए, सेंट्रल यूनिवर्सिटी देहरा के लिए, 64 नेशनल हाईवे हिमाचल प्रदेश के लिए, और जो फौजी भाइयों की बड़ी मांग थी वन रैंक वन पेंशन उसको भी पूरा किया, और जो हमने कभी सपना भी नहीं देखा था ऊना से हमीरपुर रेलवे लाइन, हमीरपुर वालों का वो सपना भी नरेंद्र मोदी ने पूरा किया है। इसलिए हमने जो सोचा उससे ज्यादा मिला, लेकिन प्रदेश की सरकार खर्च नहीं कर पाई। मुझे पूर्ण विश्वास है जब केंद्र में मोदी जी होंगे और आपके आशीर्वाद से प्रदेश में धूमल जी होंगे तो ये दोनों की जोड़ी हिमाचल को विनाश की पटरी से हटाकर विकास की पटरी पर लाएगी और फिर नंबर वन राज्य बनाएगी। वाइसपुर के साथ बैठा हुआ जिला का सारा नेतृत्व, सभी उम्मीदवार, और सवेरे 11 बजे से यहां डटे हुए बहनों और भाइयों, पत्रकार मित्रों, एक बार फिर से हमीरपुर को बड़ा दायित्व आया है। जब जब हमीरपुर की 5 सीटें हम जीतते हैं तब बीजेपी की सरकार बनती है। इस बार कॉम्पिटिशन हमारा शिमला जिले से है। मैं शिमला होके आया, मुझे बड़ा विचित्र लगा इस बार मुख्यमंत्री के अपने घर में रामपुर में जो जनसभा हो रही थी, वहां जिला परिषद के मेंबर, बीडीसी के मेंबर, पंचायतों के प्रधान, नगर परिषद के लोग भारी संख्या में हमारे पार्टी में शामिल हुए और नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में विश्वास व्यक्त किया, और वहां नारा लग रहा था जो हम पिछले क्षेत्रों में लगाते नहीं, रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी। अगर रामपुर में रजवाड़ा शाही नहीं चलेगी तो हमीरपुर, ऊना, बिलासपुर, कांगड़ा, मंडी कहीं भी नहीं चलेगी, पूरी तरह साफ हो जाएगी।
इसलिए ये परिवर्तन की लहर सारे प्रदेश में चल रही है। आज कांग्रेस पार्टी ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया उसमें भी ऐसे वायदे किए हैं जिनका 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया। मैं तो कल शाम को भी अचानक यहाँ पहुंचा तो हजारों की संख्या में आपने मिलकर जो स्वागत अभिनंदन किया, मैं रोज मिलता रहता हूँ आपसे। हम सुनना चाहेंगे अपने यशस्वी राष्ट्रीय अध्यक्ष को, जिन्होंने अपने कला से आज के युग के जो चाणक्य है और भारतीय जनता पार्टी को विश्व की सबसे बड़ी पार्टी बनाया है। इसलिए मैं ज्यादा देर ना बोलते हुए कि इनको 5 बजे चंडीगढ़ से टेक ऑफ करना है, मैं इनका फिर से आभार व्यक्त करते हुए स्वागत करते हुए और आपको धन्यवाद देते हुए कि आप सवेरे से डटे हुए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे हमारे हंसराज हंस जी, जिला अध्यक्ष महोदय श्री अनिल ठाकुर जी, ओरंज की हमारी प्रत्याशी कमलेश कुमारी जी, बड़सर के प्रत्याशी श्री बलदेव शर्मा जी, श्री विजयपाल जी, श्री अंकुश दत्त शर्मा जी, श्री गणेश दत्त जी, श्री विजय अग्निहोत्री जी, आगे आओ भाई, जरा एक बार फिर से ताली बजाओ विजय जी के लिए। और आज इस सभा में दूर दूर तक जहां तक नजर जाती है मुंड ही मुंड दिखाई पड़ते हैं। बाकी सब जगह तो मैं प्रचार करने जा सकता हूं, जिताने की अपील भी कर सकता हूं, कार्यकर्ता को कह सकता हूं कि भी जोर लगाकर लड़ना, दमखम के साथ लड़ना, मगर हमीरपुर वाले ने तो मुझे गारंटी देनी है कि धूमल जी को मुख्यमंत्री बनाने के लिए आप लोग दमखम से लड़ेंगे। नहीं करनी है, समय मुझे परमिशन नहीं देता है, मुझे 4:45 बजे तक चंडीगढ़ पहुंचना है, मगर मैं एक बात स्पष्टता से कहना चाहता हूं। मैंने कांग्रेसियों के भाषण सुने हैं हिमाचल के अंदर, राहुल बाबा का भी सुना है अभी अभी। अरे हंस क्यों रहे हो भाई, राहुल जी के भाषण में उनको स्वप्न आता है कि हिमाचल में फिर से कांग्रेस की सरकार बनेगी। मैं उनको बताना चाहता हूं 2014 से नरेंद्र मोदी जी का जो विजय रथ देश के भ्रमण में निकला है उसको जरा कांग्रेस ही याद कर ले। 2014 में आजादी के 30 साल के बाद, आजादी के बाद पहली बार किसी गैर कांग्रेसी दल को पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी, किसी दल को पूर्ण बहुमत मिला भारतीय जनता पार्टी को मिला हमारे नेता नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में। उसके बाद महाराष्ट्र में चुनाव आया, महाराष्ट्र में कांग्रेस गई भाजपा आई, ये पड़ोस में हरियाणा में चुनाव आया कांग्रेस गई, झारखंड में चुनाव आया कांग्रेस गई, साथ में जम्मू कश्मीर में चुनाव आया कांग्रेस गई, उत्तराखंड में चुनाव आया कांग्रेस गई, यूपी में चुनाव आया कांग्रेस गई, असम में चुनाव आया कांग्रेस गई, मणिपुर में चुनाव आया कांग्रेस गई, अब आया है हिमाचल में कांग्रेस। अब मुझे मालूम नहीं पड़ता इनको दिन में स्वप्न कैसे दिखाई पड़ता है भैया। दिन में स्वप्न देखने वाले नेता तो हमारे पास है जो खुली आंख से स्वप्न देखते हैं और उसको साकार करने का दमखम भी रखते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने स्वप्न देखा पूरे देश का विकास हो, हर गरीब का विकास हो, किसान का विकास हो, युवा को आगे बढ़ाए, ये हिमाचल प्रदेश दे
देश का नंबर वन राज्य बने ये नरेंद्र मोदी का। और इसीलिए यूपीए की सरकार थी, सोनिया मनमोहन की सरकार थी, और सोनिया मनमोहन की सरकार के अंदर मैं लंबी बात नहीं करूंगा, कुछ आंकड़े जरूर बताऊंगा, क्योंकि राहुल जी आते हैं ना तो हिसाब मांगते हैं हमारे, राहुल जी हिसाब मांगते हैं। 14वां वित्त आयोग आया है, 44,000 को बढ़ाकर मोदी जी ने 1,15,846 करोड़ कर दिया है। ढाई गुना किया है, और ये ढाई गुना पैसा 1,15,876 करोड़ रुपया, जिसमें 71,000 करोड़ ज्यादा दिया है हिमाचल जैसे छोटे प्रदेश के लिए बहुत। इसके अलावा 60,000 करोड़ के राजमार्ग दिए, इसके अलावा 3 मेडिकल कॉलेज दिए, एम्स दिया, अर्बन डेवलपमेंट के लिए 2 स्मार्ट सिटी दिए, 2 अमृत सिटी दिए, कामों की जड़ी लगा दी। अब राहुल जी आप हमारा हिसाब मांगते थे, मैं सुन रहा था, मोदी जी हिसाब दीजिए क्या किया 3 साल में। अरे राहुल बाबा, हम तो 5 साल के बाद वोट लेने के लिए आएंगे, दमके की चोट पर हिसाब लेकर आएंगे, पाई पाई और पल पल का हिसाब लेकर आएंगे, मगर यहां आपके 5 साल समाप्त हो चुके हैं। जरा वीरभद्र से तो तनिक पूछिए कि 5 साल में क्या किया, पूछना चाहिए नहीं पूछना चाहिए भाई? ऐसा नहीं है कि वीरभद्र जी ने कुछ नहीं किया, काम का उनको बिचारे को दोष दे रहे हो इतनी बड़ी उम्र के आदमी को। कार्यक्रम में वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। हिमाचल सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर। ठाकुर मोटर ड्राइविंग स्कूल हिमाचल के नंबर वन ड्राइविंग स्कूलों में से है एक, जहां पर अनुभवी प्रशिक्षकों द्वारा LMB नॉन ट्रांसपोर्ट, LTV ट्रांसपोर्ट व्हीकल, HTV हैवी ट्रांसपोर्ट व्हीकल, वाहन को चलाने का आधुनिक तकनीक से दिया जाता है प्रशिक्षण। ड्राइविंग के साथ साथ गाड़ियों के कलपुर्जों की भी दी जाती है जानकारी। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के साथ साथ शादी विवाह व टूर के लिए भी बुक की जाती है गाड़ियाँ। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में प्रदूषण जांच केंद्र की भी है सुविधा, तो ड्राइविंग का प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आज ही संपर्क करें ठाकुर मोटर ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल हमीरपुर, नियर पेट्रोल पंप हथलीखड हमीरपुर। हमारा नंबर है 9418667908, 9418400349। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर हमीरपुर। हमीरपुर में आपकी विश्वसनीय लेबोरेटरी जो 23 वर्षों से दे रही है बेहतर सेवाएं। सेंटर में उपलब्ध है लेटेस्ट और हाईटेक मशीनरी व उपकरण। सुप्रीम लेबोरेटरी में बायोपी, पैप्समियर, FNAC, हार्मोनल पैनल, थायराइड, HbA1c, PSA जैसे टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध। साथ ही रक्त कैंसर, गांठों, स्तन कैंसर, मांसपेशियों के कैंसर की टेस्ट सुविधा भी उपलब्ध। सुप्रीम लेबोरेटरी दे रहा है ECG, CBC, RFT, LFT, LIPID, प्रोफाइल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सुप्रीम लेबोरेटरी में अनुभवी डॉक्टर अनुराधा शर्मा MD पैथोलॉजी व शिमला IGMC के अनुभवी इन्वेस्टिगेटर AN शर्मा की देखरेख में मरीज के हर टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। 24 घंटे सर्विस उपलब्ध, रविवार को भी सेवाएं जारी, घर से भी टेस्ट लेकर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर नियर रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। कॉन्टैक्ट 01972223790, मोबाइल 9817162608। ठाकुर द्वारा गौशाला समिति वर्ष 2001 से लावारिस बेसहारा तथा पीड़ित गाय की कर रही है देखभाल। कमेटी के अथक प्रयासों, दानदाताओं के सहयोग से पीड़ित गौधन को बचाने का किया जा रहा है प्रयास। कमेटी द्वारा लावारिश पीड़ित व बेसहारा गौओं की जाती है सेवा। गौशाला में
गाय का घी, अर्क व पंचगव्य से निर्मित धूप दवाइयां भी हैं उपलब्ध। गौशाला में किसानों के लिए वर्मिंग खाद भी की जाती है तैयार। गौशाला में गौ पूजन, गौदान, तुलादान, शनि, नवग्रह व नवरात्रों पर पूजा पाठ का किया जाता है विशेष आयोजन। दानी सज्जन गौशाला में दान करने के लिए स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर दान कर सकते हैं। आपके द्वारा दी गई दान राशि पर आयकर अधिनियम की धारा 80G के अंतर्गत टैक्स में भी दी जाती है छूट। तो आज ही आए ठाकुर द्वारा गौशाला समिति जमली धाम और बने पुण्य के भागी। गणपति इंटरप्राइजेस लावा मोबाइल हमीरपुर, हमारे यहाँ उपलब्ध हैं लावा के हर तरह के मोबाइल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल होलसेल और रिटेल किए जाते हैं। ग्राहकों की हर सुविधा का रखा जाता है खास ख्याल। हमारे यहाँ लावा मोबाइल का ऑथराइज्ड सर्विस सेंटर उपलब्ध है। यहाँ पर ग्राहकों को दी जाती है बेहतरीन सर्विस। दुनिया का जाना माना नाम लावा मोबाइल। तो आप चाहते हैं मैं लोगों को बोलूं कि आपका फोन बहुत रिलायबल है? सर, लावा का हर फोन हजारों टेस्ट से होकर गुजरता है। मैं कैसे मानूं? सर, आप खुद एक्सपीरियंस करके देख लीजिए। ओहो, गलती से ले लिया। No sir, हमने इसके लिए भी टेस्ट किया। Just one of the thousand tests that make Lava phones so reliable. ऐसा कोई टेस्ट जो आपने नहीं किया? सर, आपकी क्या चिंता? यार, लोगों को ये बोलने से पहले कि आपके फोन्स रिलायबल हैं, I have to be sure. वैसे Lava का हर फोन हजारों टेस्ट से गुजरता है। एक्स्ट्रा टॉवल लाना चाहिए था, कॉल करके मंगवा लेंगे। ओह नो, फोन अंदर ले आया, खराब हो जाएगा। No sir. इसके लिए भी टेस्ट किया सर। जस्ट वन ऑफ द थाउजेंड टेस्ट्स दैट मेक लावा फोन्स सो रिलायबल, नेवर लेट्स यू डाउन। जब भी लेना हो लावा मोबाइल, आए गणपति इंटरप्राइजेस हमीरपुर। हमारा पता है गणपति इंटरप्राइजेस न्यू रोड ऑपोजिट इलाहाबाद बैंक हमीरपुर। हमारा नंबर है 9816789389805816833। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं बताऊं क्या किया है? वो आए ना तब हिमाचल प्रदेश नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की तालिका में 29वें नंबर पर था। कौन से नंबर पर? उन्होंने क्राइम रिकॉर्ड की तालिका में 29 से बढ़ाकर 17वें नंबर पर ला दिया। गुना इतना बढ़ा दिया। ऐसा नहीं है कुछ नहीं किया है। 7000 करोड़ रुपया नरेंद्र भाई ने 69 रोड के लिए भेजा, राजमार्गों के लिए भेजा। इसकी आप डीपीआर भी नहीं बना पाए हैं। वो डीपीआर का पैसा भी भाजपा सरकार भेज रही है। ऐसा नहीं है कुछ नहीं हुआ। ये हमारी शांत देवभूमि को, वीर भूमि को, आज पूरे हिमाचल को ड्रग माफिया, खनन माफिया, वन माफिया, ट्रांसफर माफिया, न जाने कितने माफियाओं की फौज खड़ी कर दी। कम नहीं किया है उन्होंने। इसीलिए राहुल जी कहते हैं फिर से कर, इनको मौका दीजिए। अरे राहुल बाबा, ये वोटर्स तो जाने दीजिए। हिमाचल की बच्चियां गुड़ी का गुड़िया का हिसाब मांगती है, गुड़िया का हिसाब। 14 साल की एक बच्ची जिसको भी स्वप्न देखना था, वो डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, कलेक्टर बनेगी, डीडीओ बनेगी, देश के विकास में कैसे योगदान देगी, उसको दरिद्र ने रोड दिया, मौत के घाट उतार दिया। सवाल हादसे का नहीं है, आपकी बनाई हुई एसआईटी ने जांच करी, कोई परिणाम नहीं आया। जनता का आक्रोश आया, सीबीआई की जांच हुई, पकड़ा कौन गया? जो रक्षण करने वाले थे वो ही भक्षक निकले। आईजी कक्षा के एक अधिकारी को अध्यक्ष। भारतीय जनता पार्टी है, जहां पर भाजपा की सरकार आती है विकास होता है। हमें संतोष नहीं है हिमाचल के विकास से। हम आज हिमाचल में हमारी भी सरकार रही है, काफी बार रही है। धूमल जी भी 2 बार मुख्यमंत्री बने, मगर हिमाचल का विकास हम ठीक से नहीं कर पाए, क्योंकि आप लोगों ने एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा, एक बार भाजपा, एक बार कांग्रेस, एक बार कांग्रेस, एक बार भाजपा का नारा लगाया है। एक बलून होता है, बलून देखा है ना, एक बच्चा बलून में मुंह से हवा भरता है तो बलून बड़ा होता है।
अब दूसरा बच्चा को बलून दे दो वो हवा निकाल देगा तो बलून बड़ा होगा क्या? फिर से वो पहले वाले बच्चे को देते हैं वो फिर से बड़ा हवा बढ़ता है जोर से दूसरा निकाल देता है। भाजपा आती है तो विकास करती है, बलून में विकास की हवा बढ़ती है। कांग्रेस आती है भ्रष्टाचार का पंचर कर हवा निकालती है। हमने सोच समझकर हमारे सबसे अनुभवी नेता को सुकान सौंपने का निर्णय, जिसने चप्पा चप्पा हिमाचल का अपनी एड़ियों से रौंदा, नीचे घूमे, गांव तक गए, पहाड़ियों की चोटियों में गए, मैदानों में गए, जंगलों में गए हैं। धूमल जी ने हिमाचल की समस्या को आत्मसात किया और इसलिए इस बार हम धूमल जी के नेतृत्व में एक ऐसी सरकार बनाना चाहते हैं। सीधी सादी सरकार मत देना हिमाचल वासियों, सादी बहुमती वाली सरकार मत देना। इसी ने कंटाधार किया हिमाचल का, अब हिमाचल को स्थिरता है। गुजरात की तरह, राजस्थान की तरह, मध्य प्रदेश की तरह, छत्तीसगढ़ की तरह एक लंबा समय भारतीय जनता पार्टी का शासन चाहिए। 3/4 बहुमत से सरकार बना दीजिए। 20 साल तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार रहे, ऐसी मजबूत ये कांग्रेस की फितरत रही। भ्रष्टाचार अकेले वीरभद्र दोषी नहीं है भैया, हिमाचल वाले ऐसे न माने कि अकेले वीरभद्र जी भ्रष्टाचार करते, ये तो उनकी कुल परंपरा है। 10 साल तक ये सोनिया मनमोहन की सरकार चलती थी, भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार, घपले घोटाले करप्शन इतने किए कि पहली कक्षा का बच्चा हो तो उसको 1 से 100 की गिनती दिया जाए, इतने सारे करप्शन के मामले आ गए। और कांग्रेस ही बड़े समता में मानते हैं भैया, सब में सबको न्याय करते हैं। मैं बताऊं कैसे सबको न्याय करते हैं, बताऊं आपको? देखो भाई, ये पूरी पृथ्वी का चराचर जगत है, उसके कितने हिस्से हैं? 5 हिस्से। सबसे ऊपर क्या होता है? अंतरिक्ष होता है ना, जरा हाँ ना तो बोलो भाई, अंतरिक्ष होता है ना। वहां इन्होंने इसरो का घोटाला कर दिया और 2G का घोटाला कर दिया। बाद में क्या आता है? आकाश आता है ना, वहां वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर का घोटाला किया और इंडिया के विमान खरीदने में घोटाला कर दिया। उसके बाद में धरती आती है नहीं आती है, वहां CWG का घोटाला किया और आदर्श सोसाइटी का घोटाला कर दिया। उसके बाद में समंदर आता है ना भाई, वहां पनडुब्बी खरीदने में घोटाला कर दिया। इसके बाद में पाताल आता है, पाताल आता है ना, पाताल। आपको लगेगा अमित भाई पाताल में क्या घोटाला होगा, वहां कोयले की खजाने बेचकर खा, पाताल जल जल पांचों जगह 12 लाख करोड़ के घोटाले करे इस कांग्रेसियों ने। अब इसको हिमाचल का फिर से मैंडेट चाहिए, देना चाहिए क्या? अरे हमारा क्या हिसाब पूछते हो राहुल जी? 12 लाख करोड़ के कपड़े घोटाले का हिसाब देश की 125 करोड़ की जनता को देना है। हमने तो ऐसी सरकार चलाई है, 3.5 साल हो गए नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का एक भी आरोप नहीं लगा है। इस प्रकार की भाजपा की सरकार चलाई है, आप हमारा क्या हिसाब पूछते हो? हमें तो 3 साल हुआ है, आप 3 पीढ़ी से इस देश पर राज करे हो, 3 पीढ़ी से। आपकी परनामी, आपके पिताजी, आपके माताजी, पर अब आप आए हो, पूरी करने में 3 पीढ़ियां तो पूरी है, जरा जोर से तो बोलो। मैंने जवाहरलाल जी को छोड़ दिया, मेरे काम का हिसाब दो। अरे राहुल जी आप जवाब दीजिए, कैसा शासन किया 4 पीढ़ी में कि 30 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट भी नहीं था, कैसा शासन किया मोदी जी ने? आकर 30 करोड़ गरीबों के घर में बैंक अकाउंट पहुंचाया, 2 करोड़ गरीब महिलाओं के घर में गैस के चूल्हे पहुंचाए, 7 करोड़ युवाओं को रोजगारी दी है, क्या करते रह गया? 4 पीढ़ी तक शासन करते रहे, न गैस पहुंचाए,
नहीं पहुंचाई। अगर आप सब कर देते तो हमारे तो भाग्य में कुछ नहीं आता, मगर खैर आप तो गए, अब मोदी जी के नेतृत्व में ये सब हम करेंगे। तो मैं हिमाचल वासियों को ये कहने आया हूं, इसको आप हिमाचल का चुनाव मत समझिए, हिमाचल का तो चुनाव है ही, इसके साथ साथ मोदी जी जो द्रुत गति से जो स्पीड से देश को आगे बढ़ा रहे हैं उनका समर्थन करने का भी ये चुनाव है। 2014 में भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया, अनुराग बैठा है यहां पर, हमारे चारों सांसदों को भारी बहुमत से जिताकर भेजा, चार फूल मोदी जी की झोली में डाल दिए, डाले या नहीं डाले। अब मोदी जी मैंने बताया 71,000 करोड़ रुपया ज्यादा दिया, 60,000 के रोड दिए, कॉलेज दिए, एम्स दिया, आईआईएम दिया, बहुत सारा दिया, मगर एक कम पड़ा है, कम पड़ा है। अब आपने क्या किया, एक इंजन वाली सरकार बना दी है नरेंद्र मोदी की केंद्र में, मगर हिमाचल तो ऊंचाई पर है ना, तो एक इंजन से गाड़ी चलती नहीं है, पीछे धूमर जी का इंजन लगा दो तो दो इंजन से। मित्रों एक ऐसी सरकार बनानी है जो नरेंद्र मोदी के खिलाफ न हो, नरेंद्र मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर इस पूरे देश का विकास करे और वो धूमल जी की भाजपा की सरकार भी कर सके। मित्रों आप बताओ मुझे, हमीरपुर जिले और हमीरपुर लोकसभा में सारी की सारी सीटें भाजपा की जीतानी है या नहीं जीतानी है? जरा जोर से बोले, जीतानी है तो आपके अकेले से वोट से जीत जाएंगे क्या, आपके परिवार के वोट से जीत जाएंगे क्या? यहां दूर तक नजर पहुंचती है तब तक जो लोग बैठे हैं 25-25 हिमाचल वासियों को फोन कर भाजपा को वोट करने के लिए कहेंगे क्या? जरा जोर से बोलो, कहेंगे भाजपा की सरकार बनाओगे, कमल के निशान पर बटन दबाओगे, भाई नरेंद्र ठाकुर और बाकी तीनों प्रत्याशियों को जिताओगे, कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाओगे, मोदी जी के हाथ मजबूत करोगे, 3/4 बहुमत से सरकार बनाओगे, तो मेरे साथ बोलो भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। तो ये था आज दिन भर कार्यक्रम, कल फिर हाजिर होंगे नई गतिविधियों और जानकारियों के साथ, तब तक के लिए आप बने रहिए अस्टोडे के साथ, नमस्कार। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर हमीरपुर, हमीरपुर में आपकी विश्वसनीय लेबोरेटरी जो 23 वर्षों से दे रही है बेहतर सेवाएं। सेंटर में उपलब्ध है लेटेस्ट और हाईटेक मशीनरी व उपकरण। सुप्रीम लेबोरेटरी में बायोपी, पैप्समियर, FNAC, हार्मोनल पैनल, थायराइड, HbA1c, PSA जैसे टेस्ट करवाने की सुविधा उपलब्ध। साथ ही रक्त कैंसर, गांठों, स्तन कैंसर, मांसपेशियों के कैंसर की टेस्ट सुविधा भी उपलब्ध। सुप्रीम लेबोरेटरी दे रहा है ECG, CBC, RFT, LFT, LIPID, प्रोफाइल कल्चर एंड सेंसिटिविटी। सुप्रीम लेबोरेटरी में अनुभवी डॉक्टर अनुराधा शर्मा MD पैथोलॉजी व शिमला IGMC के अनुभवी इन्वेस्टिगेटर AN शर्मा की देखरेख में मरीज के हर टेस्ट की रिपोर्ट दी जाती है। 24 घंटे सर्विस उपलब्ध, रविवार को भी सेवाएं जारी, घर से भी टेस्ट लेकर रिपोर्ट भेजने की व्यवस्था। सुप्रीम डायग्नोस्टिक लेबोरेटरी कम क्लिनिकल सेंटर नियर रीजनल हॉस्पिटल हमीरपुर हिमाचल प्रदेश। कॉन्टैक्ट 01972223790, मोबाइल 9817162608। स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे
पहले करके जो प्रदेश देश और विदेश से राजनीति खेल और मनोरंजन की दुनिया की हर खबर दर्शकों तक पहुंचाने का वादा करता है कि हर खबर पर होगी पहली नजर। जानिए आज दिन भर कहां क्या हो रहा है, क्या है शहर जिला और प्रदेश का हाल, क्या रही दिन भर की प्रमुख गतिविधियां, आपको रखे हमेशा अपडेट एच टुडे आज दिन भर। नमस्कार, स्वागत है आपका आज दिन भर के इस अंक में। आइए सबसे पहले चाहे हो आपकी कोई समस्या या फिर मिलना हो हर दिन किसी नई हस्ती से, मनोरंजन हो या फिर जानना हो अपना भविष्य फल, एच टुडे रखेगा आपको हमेशा अपडेट। हमारा प्रयास सरकार व जनता तक पहुंचाना सही आवाज। देखते रहिए आपका अपना चैनल एच टुडे, एच टुडे नजदीक गांधी चौक हमीरपुर।